की बात यह है कि आज का जो सूरज देवता है वो गाइस फाइनली अभी हम एक घर से निकल रहे हैं, मतलब होटल से चेकआउट कर रहे हैं और घड़ी में टाइम हो रहा है अभी फिलहाल 9:04। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कर दिल्ली में स्टे करना पड़ेगा और क्या हो। हाँ तो क्या करूँ, इसीलिए देर से निकल रहा हूँ। अभी लेते हैं दिन का पहला फ्यूल का स्टॉपेज और कैमरा में चार्ट कितना है, बराबर फुल कर दीजिए। हाँ पीछे। तो गाइस कुछ ही देर में हम जमुना एक्सप्रेस हाईवे में एंट्री करेंगे, तो उससे पहले दिन का पहला चाय का सूटा। बहुत गर्म है और अदरक और इलायची के जो फ्लेवर आ रहे हैं एकदम A1। लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस हाईवे इस तरफ है और ये सीधा चले जाएंगे तो ताज एक्सप्रेस हाईवे, मतलब जमुना एक्सप्रेस हाईवे, बस जमुना। अभी हम लोग जा रहे हैं जी आगरा के रिंग रोड से, रिंग रोड, और उसके कुछ देर के बाद ही आएगा आपका हमारा जमुना एक्सप्रेस हाईवे। बस चलो ट्रैक को क्रॉस करते हैं। अरे भाई ये मत अटक। और दिल्ली का डिस्टेंस यहाँ से है सिर्फ 212 किलोमीटर। और हमारा कोविड टेस्ट का फिर से करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ रहा है वो आपको मैं जाते जाते बताता हूँ। और यहाँ से टोल रोड स्टार्ट होता है, तो इस टोल शायद बाइक के लिए फ्री है, उसके बाद वाला टोल शायद बाइक के लिए होगा। सो गाइस फाइनली देख सकते हैं आप लोग, मेरे सामने लिखा हुआ है जो वेलकम टू जमुना एक्सप्रेस हाईवे। फाइनली बॉस, फाइनली हम एंटर कर चुके हैं जमुना एक्सप्रेस हाईवे पे। दोस्तों सबसे मजे की बात ये है कि आज का जो सूरज देता है वो पकड़ नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर अभी मैं शो कर रहा है 35, मतलब फील लाइक, लेकिन उतना महसूस नहीं हो रहा है। मतलब मैं तकरीबन यहाँ से 10 से 15 मिनट के ऊपर हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन जो टेम्परेचर उतना फील नहीं कर रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं जमुना एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के। हम किधर आए? हम आए जी जमुना एक्सप्रेस हाईवे की टोल प्लाजा पे। देख सकते हैं ये जो स्लीप है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो यही मिलेगा आपको 205 रुपये, इसके लिए देना पड़ेगा। तो हमारे लिए गेट खुल चुका है एक्सप्रेस हाईवे का। 205 रुपये का टोल देखो तो रोड का भरपूर आनंद लेना पड़ेगा मेरे भाई। राइट लेके अगर चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा खाने वाने का, सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत, मतलब जैसे MS के मान लो, निखिल भाई को मान लो, जन प्रभजोत जी को मान लो, और उसके साथ साथ बहुत सारे कोलकाता से भी बंदे को मान लो, उन सभी को देखा है इन टोल प्लाजा से टोल देते हुए बाइक को लेके जाते। तो हम आजा जा रहे हैं, जो मेरे आज अंदर की जो खुशी है ना वो तो समझ पा रहे हो ना, कितना खुशी हो रहा है भाई ये टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद। मतलब कलकत्ता से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके बाद फाइनली हम जमुना एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं बॉस। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो मेरे पास ना था ये जो वाटर का बोतल, मतलब बैग था, वाटर बैग, उसमें था पानी। और क्या हुआ, पानी तो था उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो बहुत बढ़िया पानी था, लेकिन लेकिन लेकिन
और पानी जो पीने वाला पाइप था वो नल थोड़ा ढीला था, क्या हुआ सारे पानी जो है वो गिर गया। पानी का बोतल और एक पेप्सी, ये मिरिंडा कर दीजिए। तो गाइस पानी वानी तो पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं फिर से रोड पे, और यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है तकरीबन 110 किलोमीटर, तो सीधा इसके बाद दिल्ली में स्टॉप लेंगे। आपको यहाँ पे फिर से टोल पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद ये टोल प्लाजा पड़ता है, तो शायद यहाँ पे हो जो पर्ची हमको दिया था वो आपको फिर से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए अभी रुके हैं, तो देखते हैं कितना, मतलब गाड़ी का इंजन भी हीट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा ड्रोन फ्लाई करने का भी मन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा व्हीकल है, यहाँ पे ये पार्क है फिलहाल अभी इस टाइम पे, और रोड पे थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा, तो जमुना एक्सप्रेस हाईवे फिलहाल आप खड़े हैं तो देख सकते हैं सामने जो है, और 1 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप भी है, उसके साथ साथ ढाबा वगैरह भी है, रेस्टोरेंट सब कुछ है। मतलब अभी कुछ 10 किलोमीटर के बाद वहाँ पे पड़ रहा था कि टोल प्लाजा है। जो विंड ब्लास है आप देख सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे मतलब खड़ा हुआ है सिर्फ, और देखिए कैसे पूरा गाड़ी हिल रहा है, मिरर वगैरह, तो समझ सकते हैं कितना विंड ब्लास्ट यहाँ पे अभी हो रहा है। अभी दिन का नेक्स्ट फ्यूल अप करने के लिए रुका है, तो देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे क्या भाई, तो देखिए दोस्तों कि मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग तो हो रहा है, तो मतलब देखिए तो इस जगह पे थोड़ा बहुत बारिश भी होके गया है कुछ पर, और पेट्रोल पंप पे 300 रुपये का पेट्रोल गया है आज दिन का सेकंड फ्यूल स्टॉप पे। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं कि मैंने रेल लाइनर जो है पहन लिया, तो बारिश यहाँ से कंटिन्यूसली हैवी होता ही जा रहा है, तो फिलहाल इससे ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो मैं शायद गोप्रो को अभी फ़िलहाल निकाल दूंगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो मेरा जो पूरा ट्रिप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और सामने का जो बोर्ड है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, सामने का बोर्ड में क्या लिखा है, कितना किलोमीटर फ़िलहाल अभी सब कुछ बाकी है यहाँ से। यहाँ से देखिए ग्रेटर नोएडा जो है वो है 27 किलोमीटर, और दिल्ली जो है 61 किलोमीटर, और फरीदाबाद जो है 69 किलोमीटर। चलाइए हमारे बाएं तरफ है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, मतलब हमारा देश का एक लौता F1 ट्रैक।
तो यहाँ पे झाड़ की वजह से तो दिख नहीं रहा है, तो सामने बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये वाला पोस्टर हमको दिख रहा था लेकिन यहाँ पे है भाई हमारा इंडिया का। फिलहाल देखो रेल लाइनर पहना कुछ चाहिए, मतलब हम मान के चलो 5 से 10 मिनट चलाया, कैमरा वैमरा सब कुछ खोल दिया, उसके बाद बारिश अभी बंद हो गया। कैसा लगता है आप लोग बोलो ये जब होता है तो ऐसा सिचुएशन। और नोएडा सिटी के जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो फिलहाल देखना हमको स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत। ओ जी हमें दिख गया है, ये है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये तो एयरपोर्ट तो नहीं हो सकता है, तो यही है वो वाला जी हमारा इंडिया का एक लौता F1 ट्रैक पे। हमारा जमुना एक्सप्रेस हाईवे का जो सफ़र था वो फिलहाल यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से हम टर्न ले लेंगे दिल्ली के लिए। हाँ यहाँ से देख सकते थोड़ा एग्ज़िट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जो इस साइड का जो लेन है इस साइड से हमको एग्ज़िट लेके चला जाना है दिल्ली की ओर, मतलब नोएडा दिल्ली सिटी। अभी यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे कोविड के लिए, मतलब 19 तारीख से नया जो रूल चालू हो गया हिमाचल में एंट्री करने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, तो हम तो घर से निकले 3 दिन हो गया है, मतलब वो 72 घंटा का जो ड्यूरेशन था वो पहला जो मेरा कोविड का टेस्ट का था वो फिलहाल ख़त्म हो चुका है, तो मुझे करवाना है फिर से कोविड और दिल्ली में अभी यहाँ से कोविड करवा के निकल जाएंगे हम, ऐसा ही हमारा प्लान है। इस रोड पे चलाने में बहुत मज़ा आया दोस्तों, और दिल्ली में थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक जो है बहुत सख्त ट्रैफिक है। और जी यहाँ से देखो स्टार्ट हो गया दिल्ली का मेट्रो, जो इंडिया के फेमस मेट्रो में से एक माना जाता है, और यहाँ का जो मेट्रो मैंने तो पहले भी ट्रैवल किया हूँ बहुत बढ़िया है, मतलब 3-4 ऐसा लाइन है, बहुत बढ़िया मेट्रो का सर्विस दिल्ली में मिलता है। और कोविड सेंटर यहाँ से अभी 28 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल माथा, और फिर से थोड़ा ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ से हम मतलब इस जगह को ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जिट लेके दिल्ली सिटी में एंटर करें और नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से, हाँ जी 5 किलोमीटर कंटिन्यू कर रहे हैं गूगल माथा के हिसाब से, देखते चलो। खाना है मुझे खाना। यहाँ पे आप देखिए हॉस्पिटल का मतलब कुछ है तो देखिए कितना अच्छे से डॉक्टर बनाए हुआ है, तो डॉक्टर हम सबको सेव कर रहा है, बहुत बढ़िया जी बहुत। तो गाइस देखिए दिल्ली का फ्लाईओवर के ऊपर से दिल्ली का नज़ारा और दिल्ली का ट्रैफिक, तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो आज बारिश मिल गया, मतलब अगर बारिश नहीं मिला होता तो हमारा तो काम ख़त्म, मतलब दिल्ली में इतना गर्मी तो उसको सह पाना ये सब सारे गियर पहन के इट्स टू टफ। फिलहाल दिल्ली में दोस्तों हम पहुंच गए, तो भैया अभी मेरा सैंपल लेंगे कोविड के लिए, और मतलब ये कोविड टेस्ट करवाते तो सारा पैसा ख़त्म हो रहा है मेरा, और फिर से वही वाला इसमें बहुत दर्द होता है। अभी तक जितना बार कोविड टेस्ट करवाया हो मेरा तो नाक से पानी आँख से पानी आ जाता है, हो गया नाक का अभी होगा गले का।